वेलकम है स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में आपकी जूलॉजी। जूलॉजी की क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए और आपकी जो बुक है वो चल रही है सेल बायोलॉजी। कौन सी बुक चल रही है? सेल बायोलॉजी। और आपका पार्ट नंबर रहेगा ये 35 और ये यूनिट चल रही है आपकी यूनिट नंबर 3 इसी यूनिट। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं फैट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फैट्स के बारे में, यानी कि हमारी क्लास चल रही है बायोकेमिकल्स की चल रही है, जैव साइंस में हम पढ़ रहे हैं फैट्स के बारे में। वसा, वसा क्या होती है? वसा जो होती है इसमें आपको बताया था एक ग्लिसरॉल होता है, एक ग्लिसरॉल होता है, जबकि तीन क्या होते हैं? तीन जो होते हैं फैटी एसिड्स के रूप में होते हैं। तो तीन फैटी एसिड्स होने के कारण वसाओं को हम क्या बोलते हैं? ट्राई ग्लिसरॉइड कहा जाता है। वसाओं क्या बोलते हैं? ट्राई ग्लिसरॉइड कहा जाता है, यानी कि तीन फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? हमें ट्राई ग्लिसरॉइड्स के नाम से जाना है। ठीक है, अब देखिए वसाएं ट्राई ग्लिसरॉइड है, यानी कि एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड। तो इसके आधार पर वसाओं का क्या किया जाता है? वसाओं का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण किया जाता है। तो इसी के आधार पर जो आपकी लिपिड होती है वो एक तो सिंपल लिपिड होती है, दूसरी कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स लिपिड होती है, और तीसरी कौन सी होती है? ड्राइड लिपिड होती है, व्युत्पन्न लिपिड होती है। यानी कि लिपिड्स का यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो तीन प्रकार की लिपिड होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल लिपिड क्या है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल लिपिड यानी कि सरल लिपिड। सरल लिपिड क्या है कि जो सरल लिपिड होगी उसमें एक तो आपका ग्लिसरॉल होगा और तीन क्या होंगे? तीन फैटी एसिड्स, यानी कि इनमें अन्य प्रकार के कोई भी एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, केवल और केवल एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड हो तो इस प्रकार की लिपिड को हम सरल लिपिड कहा जाता है। तो सरल लिपिड जो होती है ये साधारणतः ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में ही होती है। ठीक है, अर्थात सरल लिपिड में कितने अणु होते हैं? चार अणु होते हैं, एक तो ग्लिसरॉल का होगा और तीन क्या होंगे? तीन आपके फैटी एसिड्स के होते हैं, इनके अलावा कोई भी इसमें कुछ नहीं होता है। जो आपकी लिपिड होती है, जो सरल लिपिड होती है, सरल लिपिड्स के अंदर जो उदासीन लिपिड्स आती है यानी कि उदासीन वसाएं या तेल आते हैं, वो सभी क्या है? आपके सरल लिपिड के एग्जांपल होते हैं, यानी कि ट्राइग्लिसराइड प्रकृति की वसाएं हैं जो ग्लिसरॉल तथा वसीयों से बनी होती है। इस प्रकार से जितने भी उदासीन तेल होते हैं वो किसके बने होते हैं? इसी सरल लिपिड से बने होते हैं, यानी कि नेचुरल रूप से जो प्राप्त तेल होते हैं उनमें क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है या तीन फैटी एसिड्स होते हैं, और ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये आपके सरल लिपिड के एग्जाम्पल होते हैं। ये देखो, ये ठोस तरल दोनों अवस्था में मिलती है। ये जो लिपिड होगी क्या होगी? ठोस रूप में मिलेगी और तरल अवस्था में भी मिलती है। अब नेक्स्ट इसका जो सरल लिपिड का एग्जाम्पल है वो आपकी है वैक्स। वैक्स वैक्स कौन सी? आपने जो हनी बी देखी है, ये भी एक प्राकृतिक है। हनी बी देखी है, हनी बी का जो आप बनाते हो छत्ता बोलते हो, हनी बी का जो रेडियल छत्ता होता है उसके अंदर किसका यूज होता है? वैक्स यानी कि मोम का यूज होता है। तो ये वैक्स किसकी होगी? ये वैक्स भी एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड्स की बनी होती है, अर्थात इनमें और किसी प्रकार का एलिमेंट नहीं पाया जाता है। तो ये भी क्या है आपकी? ये भी एक सरल प्रकार की लिपिड का एग्जांपल होता है। लेकिन ये जो है, ये जो वैक्स होती है,
होता है।
ओ सी डबल ओ ये आर वन, यहां पर सी डबल ओ ओ सी एच आर टू, तीसरा क्या है सी एच टू, यानी कि यहां पर ओ सी डबल ओ आर टू, यानी कि ये सरल लिपिड है। ये सरल लिपिड में इसका जो तो तीसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तीसरा ग्रुप यानी ये जो फैटी एसिड है, इस फैटी एसिड इसके स्थान पर कोई एक ग्रुप है जुड़ा हुआ है। ये ग्रुप क्या होता है, कोई फॉस्फेट युक्त सी एस टू एनएच टू, सी एस टू एनएच टू, सी एस टू सी एस टू एनएच टू, सी एस टू सी एस टू एनएच टू, यानी कि ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम ये जो फास्फेट है, फास्फेट से आगे जो ग्रुप जुड़ा इसे बोलते हैं हम एथेनॉल एमाइन, और ये क्या है आपका फॉस्फेट, ये क्या है फॉस्फेट, ये क्या बन गया फॉस्फो एथेनॉल एमाइन, यानी कि फॉस्फो आपकी फास्फोलिपिड के बारे में। नेक्स्ट जो लिपिड है वो आपकी है
तीसरी लिपिड की बात करते हैं। तीसरी लिपिड क्या है? तीसरी लिपिड, तीसरी लिपिड के रूप में ड्रैग लिपिड या व्युत्पन्न लिपिड। अब देखिए हमने दो प्रकार की जो लिपिड पढ़ी है, कौन सी? सिंपल लिपिड और कॉन्जुगेटेड लिपिड। जबकि तीसरे प्रकार की लिपिड कैसी है? व्युत्पन्न लिपिड। कौन सी होती है? व्युत्पन्न लिपिड। ये व्युत्पन्न लिपिड क्या है? ये जो सिंपल लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड का क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं, यानी जल अपघटन के द्वारा एक तीसरे प्रकार की लिपिड क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। और इनके जल अपघटन द्वारा प्राप्त होने वाली तीसरे प्रकार की लिपिड कैसी होती है? ये बहुत ही कम मात्रा में घुलनशील होती है, अर्थात है घुलनशील प्रकार के ये अल्कोहल होते हैं। वो है घुलनशील प्रकार के अल्कोहल होने के कारण इस प्रकार की लिपिड को हम स्टेरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? तीसरे प्रकार की जो विद्युत लिपिड होती है क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हमने बहुत से एंजाइम, बहुत से हार्मोन्स के बारे में सुना होगा कि जो किस प्रकृति के होते हैं? स्टीरोइड प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये सभी प्रकार के हार्मोन्स या एंजाइम इससे बने होते हैं, ये इसी व्युत्पन्न लिपिड से बने होते हैं। तो व्युत्पन्न लिपिड से बने होने के कारण इन स्टीरोइड्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके जो लिंग हार्मोन है या कुछ विटामिन है, तो ये आपकी लिपिड का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। और आपका इसमें थर्ड यूनिट में एक टॉपिक और बनता है, वो है आपका न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स का अध्ययन करने के लिए आप क्या करोगे कि जो बीएससी बीएड फोर्थ ईयर, बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के वीडियो है वो वीडियो आप देख सकते हो। यानी कि बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के कुछ जो क्लासेस हैं, क्लासेस के वीडियो हैं जूलॉजी के, वो आप देख सकते हो। उसमें पूरा आपका न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए कंप्लीट हो जाता है। उसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो आपकी नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट